तदनात्म तनो मात्रा प्रसिद्ध इसी तत्व पर जीवन में दोष, मन में कामनाएं, उनकी जड़ में अज्ञान है। अज्ञान से ही कामना होती है और कामना को ही जल्दी से जल्दी आसानी से पूरी करने के लिए हम दोषों को अपनाते हैं। ये जो हमारे जीवन में दुख है, इस दुख का कारण है दोष मूलक प्रवृत्ति। काम से हम व्यभिचार करना चाहते हैं, लोभ से चोरी बेईमानी करना चाहते हैं, क्रोध से हिंसा करना चाहते हैं, मोह से पक्षपात करते हैं। तो ये जो हमारे जीवन में दोष मूलक प्रवृत्ति है, अशुभ प्रवृत्ति इसको बोलते हैं न्याय शास्त्र की भाषा में। भीतर है दोष और बाहर होती है अशुद्ध प्रवृत्ति। हम बुरे काम क्यों करते हैं? यानी कि हम बड़ी चलाकी से बुरे काम करते हैं। वो बुद्धिमत्ता नहीं है, वो बेवकूफी है। एक बार हम किसी को गाली देंगे तो हम सोचेंगे अच्छा बच्चों को खूब नीचा दिखाया, लेकिन उसके मन में जो गाली बैठेगी वो फिर कहीं न कहीं किसी न किसी रास्ते निकल के आएगी। और तुम्हारे मन में जो गाली देने से खुशी हुई, वो गाली देने की आदत को तुम्हारे मन में पक्की कर देगी, दृढ़ कर देगी। तो तुम्हारा तो दोष होगा दृढ़, और एक गाली के बदले चार गाली लौट के और आ। तो जो लोग समझते हैं कि हम दोष प्रवृत्ति के द्वारा अपनी बुद्धिमत्ता जाहिर करते हैं, ये लोग बहुत गलत करते हैं। अगर मान लो आपके जीवन में कभी कोई चिंता आ गई, तो जिस चीज के लिए आपको चिंता होती है, तंगी बात यह है कि उसको छोड़ देते हैं, न मैं न मेरा बदले। और यदि न छूटती हो तो चिंता का सामना कीजिए, क्या दिया कि चाहे जो कुछ होगा हम इसका मुकाबला करेंगे, बहादुरी से कीजिए। और बोले नहीं आओ नशे की गोली खा लें और पड़ जाए, शराब पी लें और पड़ जाए, तो शराब पीने से वो चिंता छूटेगी? चिंता का काम जब तक नहीं छूटेगा तब तक वो चिंता छूटेगी नहीं, नशा उतरेगा फिर आवेगा। और वो जो नशा पीने की आदत आपको पड़ी, ये जो पलायन चिंता का सामना करने से आप भागे, उसकी कमजोरी आपके जीवन में और आ जाएगी। अब बार बार आप पराधीन हो जाएंगे, तो इस बात पर आप ध्यान रखें। आपके जीवन में यदि दोष के अनुसार कोई प्रवृत्ति नहीं है तो आपको कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। यदि आपने किसी की चोरी नहीं की है, यदि बेईमानी नहीं की है, यदि आपने व्यभिचार नहीं किया है, अनाचार नहीं किया है, किसी को दुख नहीं पहुंचाया है, आप बिल्कुल बेफिक्र चलिए, भगवान के दरबार में भी आप छाती तान के जा सकते हैं। आप डरते क्यों हैं?
पहले तो जानबूझ के गलती की, अब और डरते हैं। चोरी करोगे तो डरना पड़ेगा, बेईमानी करोगे तो डरना पड़ेगा, व्यभिचार करोगे तो डरना पड़ेगा, किसी का अपमान करोगे तो डरना पड़ेगा, पक्षपात करोगे तो डरना पड़ेगा। संसार में जितने दुख हैं उनके मूल में दोष मूलक प्रवृत्ति है। हम गलत काम करते हैं इसलिए हमको दुख होता है। तो गलत काम कितना ढूंढें, कितना ढूंढें, कौन कौन गलत है, कौन सही है, ये ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए सब दोषों का मूल तीन दोष में कर दिया है न्याय दर्शन का ये सिद्धांत। मूल मूल दर्शन ग्रंथ में ही है ये जो मैं बोलता हूं। तीन दोष जीवन में कुल के कुल तीन दोष है, राग द्वेष और मोह, त्रैराशिक है। दोषों के तीन ढेर हैं, वो ढेर इन्हीं में से हम तरह तरह से दोष उड़ाते रहते हैं। किसी के मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए तो सिर्फ आदमी से मोहब्बत नहीं होती है, औरत से मोहब्बत नहीं होती, आदमी से मोहब्बत है, चीजों से भी मोहब्बत होती है, काम से भी मोहब्बत होती है, काम है ना कि ये काम हम करेंगे। चीज से मोहब्बत होती है, काम से मोहब्बत होती है, आदमी से मोहब्बत होती है, अपनी आवाज से मोहब्बत होती है, अपने शरीर से मोहब्बत होती है, राग राग राग, फिर भाव से मोहब्बत होती है, ये भाव ही हमेशा बना रहे हैं। अपने विचार से मोहब्बत हो जाती है तो दूसरे व्यक्ति विचार का वो बड़ा खंडन, माने विचार का तरीका हमको है, दूसरा तो विचार कर ही नहीं सकता। तो ये सब राग होते हैं, राग वस्तु का राग, क्रिया का राग, व्यक्ति का राग, शब्द का राग, भाव का राग, स्थिति का राग, ये सब राग है। और इतनी इतने द्वेष भी होता है, किसी चीज को देख करके चीज से द्वेष, वस्तु से द्वेष होता है, क्रिया से द्वेष होता है, आदमी से द्वेष होता है। ये भैंस जब घोड़े को देखती है ना तो उसके ऊपर टूट पड़ती है, वो भैंस को घोड़े से द्वेष होता है, सांप को चूहे से द्वेष होता है, व्यक्ति किसी को कोई आवाज करी लगती है, किसी को कोई भाव करवा लगता है, भाग या कोई विचार करवा लगता है, कोई स्थिति करनी लगती है, तो ये बड़ा सूक्ष्म होता है सब इसका विचार, वो होता है, यही बना रहे, यही बना रहे। अब दृश्य है और बना रहे तो मूल में ही मूर्खता है। तो सिनेमा के पर्दे पर एक दृश्य आया, बच्चे ने उसको देखा, अब बच्चा चाहता है कि बस बस ये बहुत बढ़िया है, पर्दे पर यही बना रहे, लेकिन वो तो महाराज जहां फिल्म में भरा हुआ है ना, वो रील तो चल रहा है, वो दृश्य वो सीन हमेशा कैसे रहेगा। तो ये सब जो रील चल रहा है इसमें यदि दृष्टा कहीं भी दृश्य को रोकना चाहता है तो करता है, रोकता है, तो दृष्टा का तो है। अब आगे एक बात सुनाता हूं, हम मौसमी मतों की, मजहबों की, फिरकों की बात नहीं करते, ये तो मौसम पर पैदा होते हैं। बरसात में मेढक पैदा हुए, कर कर किया, गर्मी आई, सब खत्म। मेढक मौसमी होते हैं, आप लोगों को शायद मालूम ना हो, गर्मी जब खूब गर्मी पड़ती है, पानी सूख जाता है, तो मेढक मिट्टी में मिल जाते हैं, उनकी शक्ल सूरत सब मिट्टी में मिल जाती है, शरीर नहीं रहता है। और जब फिर वर्षा का पानी पड़ता है
तो वो वहीं फिर खुदकने लगता है। ऐसा भी किया जाता है, एक जादू दिखाया जाता है, गर्मी के दिनों में मेढक सुखा के उनका चूरा करके डब्बे में रख लेते हैं, और जब वर्षा होने लगती है तो सीमेंट के फर्श पर वो चूरा को रखते हैं, और महाराज पानी की बूंदें पड़ी और उनमें से मेढक फुदकने लगे। ये बीज, इनका भी बीज होता है बीज। तो ये मौसमी टर्टर जो है, ये मत है, मजहब है, फिरके हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको फंसाने के लिए पैदा हो जाते हैं, सिर्फ चेला बनाने के काम आता है, और गुरु को कुछ मिलती है दक्षिणा, और चेला लोग जो हैं बहुत आनंद आया, बहुत लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ, न काम गया, न क्रोध गया, न लोभ गया, लाभ बहुत बड़ा हो गया। तो ये बात आपको सुनाता हूं, सत संप्रदाय जो है, जो सच्चे संतों का संप्रदाय है, उसकी रीति आपको सुनाता हूं। तो आप पहले धर्मानुष्ठान से अधर्म मूलक जो चरित्र है, क्रिया है, उसको दबा दें। चोरी, व्यभिचार, नादान, छल, कपट, पक्षपात, दुश्मनी, नफरत, गधे से भी नफरत मत कीजिए, ये वैष्णव धर्म है। श्रमे दंडवत भूमौ अश्व चांडाल गोखरा, नफरत होगी तो जिससे आप नफरत करेंगे, दुश्मनी करेंगे, उसका नुकसान नहीं होगा, आपके दिल में नफरत दुश्मनी बैठ जाएगी, आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक उन्नति माने अपने दिल का साफ होना, अध्यात्म माने दिल होता है, अपने दिल का नाम अध्यात्म है, जिससे दिल साफ हो वो आध्यात्मिक, काम भी आध्यात्मिक होता है, वो कर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो सुंदर कर सको, क्रोध भी आध्यात्मिक होता है, लोभ भी आध्यात्मिक होता है, मोह भी आध्यात्मिक होता है, धर्म के अनुसार कीजिए, माता पिता के प्रति जो मोह है वो धर्म के अनुसार है, गुरु के पति के प्रति जो मोह है वो धर्म के अनुसार है, धर्मानुसार मोह कीजिए। हे भगवान, तो पहले अच्छाई से बुराई को दबा दीजिए, ये नहीं कि वो मिट गई, मिट नहीं जाती है, बुराई को नीचे कीजिए और अच्छाई को अपने पास ले आइए, फिर अच्छाई के दो हिस्से कर देते हैं। हाँ, वो दो हिस्से क्या होते हैं, अच्छाई के दो हिस्से होते हैं, एक आदमी बड़ा दाता है, दान करता है, अच्छाई है ना, एक आदमी दुखी पर दया करता है, दया करना तो अच्छा ही है, और एक अच्छाई है शांति, दोनों में क्या फर्क है, आपका दान दूसरे को देखता है, दूसरी चीज से होता है, उसके लिए हाथ उठाना पड़ता है, जबान खोलनी पड़ती है, आप दया करते हैं, वो दूसरे को देखता है कि दया करने लायक है, आपका मन उसके लिए द्रवित होता है, आप उसको प्यार करते हैं, ये अच्छाई है, लेकिन एक अच्छाई और है, वो क्या है कि आपका चित्त बिल्कुल शांत हो, उसमें काम न हो, क्रोध न हो, लोभ न हो, ये बात तो अलग, उसमें दान का संकल्प, दया का संकल्प भी उस समय न हो, शांति 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 शांति। दोष के मूल में मिथ्या ज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान माने ये हमारा दुश्मन है, हमारा कुछ बिगाड़ देगा, ये मिथ्या ज्ञान है, इस वस्तु के बिना मैं जी नहीं सकता, ये काम है, मिथ्या ज्ञान है, ये भोगने के लिए हमको जरूर चाहिए है, हाय हाय इसके बिना मैं कैसे रहूंगा, तो
इसका इसको बोलते हैं मिथ्या ज्ञान, ये न्याय दर्शन की भाषा में इसका नाम मिथ्या ज्ञान। यदि आपको दृष्टा रूप में स्थित होना हो तो आपके जीवन में अहिंसा से हिंसा पर विजय प्राप्त होनी चाहिए, सत्य से अमृत पर विजय, झूठ पर विजय प्राप्त होनी चाहिए, नहीं तो बैठ नहीं सकोगे बाबू, ढोंग करोगे, है ना। वृत्ति जहां होती है वहां तो उससे तादात्म्य हो जाता है, तो सत्य नाम रता, सत्य से झूठ पर विजय प्राप्त करो, अहिंसा से हिंसा पर विजय प्राप्त करो, सत्य को अहिंसा को अपने पास ले आओ, अपरिग्रह से परिग्रह पर विजय प्राप्त करो, अस्थे से स्थे पर विजय प्राप्त करो, ब्रह्मचर्य से काम पर विजय प्राप्त करो। ये सब संप्रदाय की बात आप सुना, और फिर शांति से विक्षेप पर विजय प्राप्त करो। पांच आहुति दो, अविद्याम जुहोमि स्वाहा, अस्मिताम जुहोमि स्वाहा, रागम जुहोमि स्वाहा, द्वेषम जुहोमि स्वाहा, अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा। मैं ज्ञान की आग में अपनी अविद्या की आहुति देता हूँ, अस्मिता की आहुति देता हूँ, राग की आहुति डालता हूँ ज्ञान की आग में, द्वेष की आहुति डालता हूँ, जो देह में मैं डर है, भय है, मृत्यु का भय, रोग का भय, गरीबी का भय, जो भय समा गया है उसकी मैं आहुति देता हूँ। अब मैं भय से, किसी का मुझे डर नहीं है, किसी से मुझे दुश्मनी नहीं है, किसी से मुझे मोहब्बत नहीं है, किसी तरह का मुझ में अस्मी भाव नहीं है, अविद्या से मैं मुक्त हुआ, दुनिया दिख रही है, मालूम पड़े दृश्य है, प्रकृति है, प्रकृति का परिवार है, परंतु दोष का मूल नहीं है। ये दृष्टा भाव में दो परिवार है, कहीं कथा में व्याख्यान में सुन के आए, दो परिवार है, या एक अविद्या का परिवार है और एक प्रकृति का परिवार है। तो प्रकृति है, महत्त्व है, अहंकार है, पंचभूत है, उससे बनी सृष्टि है, दृश्य है, परंतु उसके प्रति अभिनिवेश नहीं है, द्वेष नहीं है, राग नहीं है, अस्मिता नहीं है और अविद्या नहीं है। अब आप शांति के दृष्टा बन गए, बनना नहीं होता है दृष्टा का, दृष्टा तो दृष्टा ही है। देखो पुस्तक दिख रही है, रोशनी दिख रही है, ये पुस्तक अभिभूत है और रोशनी अभिदैव है, और आंख दिख रही है, अध्यात्म है, दूसरी बात अधिभूत है पुस्तक, अधिदैव है प्रकाश, और अध्यात्म है आंख। आप किसके दृष्टा है, पुस्तक के दृष्टा है कि रोशनी के दृष्टा है कि आंख के दृष्टा है? आप आंख के भी दृष्टा है, मेरी आंख मंदी है, मेरी आंख तेज है, मेरी आंख सामान्य है, आपको मालूम है। आप मन में जो विषय है उसके दृष्टा है, जो खाने पीने के मन में चेतना है वो चंद्रमा चंद्र अन्न है, बिना खाए मन में सोचने की शक्ति नहीं आती, और जो खाया पिया जाता है उसमें चंद्रमा का रस होता है। तो मन में जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो विषय है, अधिभूत है, और जो मन में चंद्रमा का रस है वो अधिदैव है, और आपकी जो मानसिक शक्ति है वो अध्यात्म है। आप दृष्टा हो, दृष्टा रूपम दृश्यम लोचनम दृक् दृक् दृश्यम दृक् मानसम दृश्यादि वृत्तयः साक्षी दृगेव
न तो दृश्य है। रूप दृश्य है, लोचन दृष्ट आख दृष्टा है, आख दृश्य है, मनोवृत्ति दृष्टा है, मनोवृत्ति दृश्य है, तुम दृष्टा हो, तुम कभी देखे नहीं जाते। क्यों? न देखना, अपने आप को न देख पाना ये भी अज्ञान है। बहुत अपने को न देख पाने से ही तो अपने को परिच्छिन्न मानते हैं, टुकड़ा मानते हैं, कतरा मानते हैं। अगर देख पाते हैं तो अपने को कतरा क्यों मानते, टुकड़ा क्यों मानते हैं? तो आपको सत संप्रदाय की बात सुनाते हैं। विषय से निवृत्त होकर, विषय रहेगा तो काम क्रोध लोग रहेंगे, इंद्रिय में आ जाइए, इंद्रिय से निवृत्त होकर अंतःकरण में आ जाइए, अंतःकरण में शांति और आप शांति के दृष्टा। परंतु दृश्य जो अंतःकरण में है शांति, और जो दृष्टा चेतन हो तुम, दोनों के बीच में क्या है? आप अपने को क्यों नहीं जान पाते? तो श्रुति का कहना है कि यही जो न जान पाना है, ये तमस है। तमस, तमस माने अंधकार, अज्ञान, आकाश की तेजना। आपका सहज स्वभाव है देखना, और आप अपने को देख नहीं पाते, पूर्ण रूप से देख नहीं पाते। मैं हूं ये तो जानते हैं, पर अपनी पूर्णता को देख नहीं पाते, जान नहीं पाते। आप देखे बिना रह नहीं सकते, और पूरे के पूरे देखे नहीं जा सकते। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनायो। तमसः परस्तात्, तमस के आप पर है। अच्छा देखो, आप कभी अंधकार में होते हो तो अंधकार आपको किस रोशनी में मालूम पड़ता है? क्या अंधकार देखने के लिए दिया जलाना पड़ता है? अंधेरा देखने के लिए नहीं ना, अंधेरा देखने के लिए दिया नहीं जलाना पड़ता। अच्छा सूर्य चंद्रमा अंधकार का दर्शन कराते हैं? अच्छा आप आंख से अंधेरा देखते हैं, माने आप जिसके साथ मिले हुए हैं उसके द्वारा अंधेरा देखें। अब आंख आप बंद कर लीजिए तो आंख बंद कर लेने पर क्या अंधेरा नहीं दिखता है? मन से दिखता है, मन से अंधेरा दिखता है। तो अच्छा मन को भी सुला दीजिए, मन नींद में आ जाएगा तब क्या अंधेरा नहीं दिखता? सुषुप्ति भी तो अंधकार ही है ना, वहां भी आप देखते हैं तमस को। तो तमस को देखने के लिए, माने अंधेरे को देखने के लिए, न दिए की जरूरत पड़ती है, न सूर्य चंद्रमा की जरूरत पड़ती है, न बाघ जो कोई बतावे ये अंधेरा है, न बाघ ज्योति की जरूरत पड़ती है, न नेत्र ज्योति की जरूरत पड़ती है, न मनो ज्योति की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब मन नहीं होता है तब भी अंधेरा मालूम पड़ता है। तमस परस्ता लो भाई, एक सज्जन थे वो बोले थे महाराज ये जो अंधेरा दिखता है ना इसको हम पार करके छोड़ेंगे। तो चले, अब आप सोचो शरीर से चले कि हवाई जहाज में चले कि रॉकेट पर चढ़े चले कि महाराज साधना के जहाज पर चढ़ के गुरु जी ने अपने हाथ पर उठाया और कहा हम ओ देखो अंधेरे के पार पहुंचाते हैं, कहीं अंधेरे का अंत मिलेगा। विमान पर चढ़ के आप जाएंगे तब भी अंधेरे का अंत, वैकुंठ से विमान आवे और कहे हम आपको अंधेरे के उस पार ले जाते हैं, आप कभी जा सकते हैं? तो गुरु जी आपको हाथ से उठा के अंधेरे के पार पहुंचा सकते हैं?
अंधेरे का पार उधर नहीं मिलेगा कभी, बना अंधेरे का पार अपनी ओर है, ये आप नोट कीजिए, बोला तमसः परस्तात् वेदाहेतम पुरुषम महान्तम आदित्य वर्ष वर्णम तमसः परस्तात् एकम पुरुषम, एकम मन ये आपका जो ये है, आपका जो आत्मा है, आपका जो स्व है, आपका जो स्वयं है, खुद है, वो अंधेरे से परे रहता है और उसी को अंधेरा मालूम पड़ता है। जिसको अंधेरा मालूम पड़ता है वहां आपको परमात्मा मिलेगा। और कहो कि हम अंधेरे को चीर के दुर्धाम में पहुंचेंगे, दुर्धाम आप जानते हैं 50 करोड़ दूजन ऊपर, या मूलाधार से ऊपर उठेंगे तब अंधेरा दिखेगा, स्वाधिष्ठान से ऊपर मणिपूरक से ऊपर उठेंगे, अनाहत से ऊपर उठेंगे, विशुद्ध से ऊपर उठेंगे, आज्ञा चक्र से ऊपर उठेंगे, सहस्रार से भी ऊपर उठेंगे, शून्य शिखर से भी ऊपर उठेंगे, पिंड ब्रह्मांड माया देश से ऊपर उठेंगे, जो हम में जब पहुंचेंगे चल के तब अंधेरा नहीं मिलेगा। सीताराम को राधेश्याम अंधेरे से जब अपने को उतर करके आप अपनी जगह पर बैठोगे, अंधेरा आपकी दृष्टि का विलास है। अब एक रहस्य आपको मैं सुनाता भी इसीलिए हूं कि भूल जरूर बातें आप लोगों को सुनने को मिलती है। कहते हम बड़ी बात बताते हैं, हम बड़ी बात बताते हैं, हम बड़ी बात बताते हैं, हमारे चेहरे बनो, हमारे चेहरे बनो, तो हम भी एक नहले पर तहले ही मारते हैं, लो तुम्हारे बादशाह पर हम इक्का फेंकते हैं। अंधेरे का अंत पाने का ये तरीका ही नहीं है कि वो बाहर की रोशनी से दूर किया जाए, या दूसरे देश में जाके दूर किया जाए, या उस टाइम का इंतजार करो वहां पहुंच के वो दूर हो जाएगा। ये जो अंधेरा है क्या आप सब पूछो, आप अज्ञान में रहकर समाधि ढूंढते हो, हम आपको समाधि दिखा सकते हैं, अभी आप देख लीजिए समाधि, सच पूछो तो आपके सामने जितनी बार विक्षेप आता है उतनी ही बार समाधि भी आती है। ये दोनों द्वंद्व हैं, वो द्वंद्व माने समाधि बिना विक्षेप के नहीं रहती, विक्षेप बिना समाधि के नहीं। खटाकार वृद्धि हुई, खड़े की याद आई, लेज आया हो और फिर कुर्सी आई, तो दोनों का आप विक्षेप मानेंगे ना, आपके मन में मेज आया, आपके मन में कुर्सी आई, दोनों विक्षेप हुआ, फिर कलम आई, फिर घड़ी आई। लेकिन ये दोनों दो चीज है ना, एक बार मेज आया, एक बार कुर्सी आई, आप मेज का तो ख्याल करते हैं, कुर्सी का ख्याल करते हैं, दोनों के बीच में जो है उसको कभी देखा आपने, वो क्या है? समाधि देखने की आपके मन में रुचि नहीं है, उसमें रुचि नहीं है माने दिलचस्पी नहीं है, वो रुचि माने दिलचस्पी, समाधि देखने में रुचि नहीं है। अच्छा, आपका मन घूम रहा है, आपकी बुद्धि घूम रही है, घुमाने वाले पर आपका कभी ध्यान गया है? आप तो दृष्टा है, उसको घुमा कौन रहा है? दियो दोना प्रचोदयात, आप ईश्वर को देखिए ना, दोनों को घुमाने वाला ईश्वर है, समाधि के बाद विक्षेप, विक्षेप के बाद समाधि, और दोनों को घुमाने वाला, इस चक्र को चलाने वाला परमेश्वर। आप चाहे जो देख लीजिए, विक्षेप देखना हो विक्षेप देख लीजिए, समाधि देखना हो समाधि देख लीजिए, ईश्वर देखना हो ईश्वर देख लीजिए। गोविंदा नमो नमः, भगवान का नाम लीजिए। आप एक बार दृष्टा होते हैं और एक बार दृष्टा नहीं होते हैं, इसका मतलब है कि आप एक बार अपने दृष्टा होने की कल्पना करते हैं और एक बार दृष्टा
न होने की कल्पना कर बैठते हैं। ये दोनों आप न आप दृष्टा है न आप न दृष्टा है, ये दोनों आपकी कल्पना है, है ना, आपके मन की कल्पना है। दृष्टा वो चीज है जो कहीं रह नहीं जाती, जो कभी बदल नहीं जाती, जिसकी कोई रूपरेखा नहीं होती, सब रूपरेखाओं का दृष्टा है। तरह तो हे भगवान, ये अज्ञान क्या है, ये अज्ञान क्या है? आपको दूसरा दिख रहा है, आता जाता हुआ दिख रहा है, मरता जीता हुआ दिख रहा है, यहां ये चीज है यहां नहीं है ऐसा दिख रहा है, ये है ये नहीं है ये दिख रहा है, है? तो क्या आप अपनी पूर्णता को जानकर, आने जाने वाली, मरने जीने वाली, रहने वाली, यहां रहने वाली ना रहने वाली, इस रूप में रहने वाली ना रहने वाली, इन चीजों को आप अपने स्वरूप को जानकर देख रहे हैं कि नहीं? अपने स्वरूप को बिना जाने देख रहे, माने अपने स्वरूप के अज्ञान से ही आप दूसरी वस्तु, दूसरा समय, दूसरा स्थान, दृश्य है तो कहाँ है, आपके आगे की ओर दृश्य है और पीछे की ओर आप है, मर गए तो पहले दृश्य था आप दृष्टा है, आप थोड़ी देर पहले आप दृष्टा थे आप दृश्य हो गए। ये सब बात जो है ये आलतू फालतू है। तस्मै मृदित कषायाय तमसः पारं दर्शयति भगवान सनत कुमारा छांदोग्य उपनिषद का बताया। नारद जैसे ऋषि हो जिन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तर्प, आंग्रस, इतिहास, पुराण, क्षत्र नक्षत्र सारी विद्या जिनको उपस्थित थी, उन नारद जी को जब उनका अंतमृदित कषायाय, अरे मेरे बाप, ये है, इसका नाम है संत संप्रदाय, सत संप्रदाय, संत नहीं बोलते हैं संस्कृत में, सत बोलते हैं, सत संप्रदाय, जो सब वस्तु से एक हो गया वो हुआ सत संत, ये सत संप्रदाय है। मृदित कषायाय तमसस पारं दर्शयति भगवान सनत कुमारा, तस्मै मृदित कषायाय, नारद जी का कषाय जो है, कषाय माने जैसे कपड़े को गिरुआ रंग में रंग देते हैं ना, ये कषाय है, कषाय रंग बोलते हैं, कसैला रंग हो, सुपारी का रंग, वैसे हमारे अंतःकरण पर संसार के रंग चढ़ गए हैं, इन रंगों को मृदित कषाया धो दे, इनको गीला कर दे, इनको छुड़ा दे, और देखो तमसस पारम, ये जो तमस होता है, तमस ये वस्तु नहीं होता है, रहस्य की बात आप सुनवा, आप घर में बैठे हैं ना, चारों ओर चार दीवारी है, दरवाजे बंद हैं, भीतर बैठे हैं, चाहे बिजली जलाओ चाहे दिया जलाओ, अंधकार जाएगा, तो आप ये जो अंतःकरण के घेरे में बैठ करके, अंतःकरण का जो घेरा चार दीवारी है, वो जब तक आपका मैं चार दीवारी के भीतर बैठा है तब तक अंधकार है, और अंतःकरण में जहां तादात्म्य है वहीं परिच्छिन्नता है, वहीं अंधकार है। आप जरा इससे बाहर तो निकलिए, घर से बाहर, वो चांदनी छिटती है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। जरा आप इस घेरे को तोड़ को दीजिए, आप अपने को देखिए, आप आंख से देखते हैं तब नीलिमा दिखती है आकाश में, कहीं आप आकाश ही होकर देखें तो आपको नीलिमा का पता चलेगा, जो नीला रंग आसमान में दिखता है,
आप लोग तो बड़ी बड़ी यात्रा करते हैं, हवाई जहाज जब बहुत ऊपर जाता है ना, तो जैसा नीलापन ऊपर दिखता है वैसे ही नीलापन धरती की ओर भी दिखता है। ये धरती नीलिमा में डूबी हुई दिखाई पड़ती है। जैसा बादल ऊपर दिखता है वैसा बादल नीचे दिखता है। देखो हवाई जहाज में आप बैठे हैं तब ऊपर बादल है कि नीचे बादल है कि सामने बादल है, ये सवाल है। जब आकाश आपका हवाई जहाज हो गया, आप आकाश में बैठ गए, तो कहीं आकाश की नीलिमा या बादल का कालापन है कि सफेदी आपको दिखेगी? ये तो आप अपने को इतनी छोटी चहार दीवारी के भीतर डब्बे में बंद करके तब देखते हैं दुनिया को। ये इसका रहस्य है। पहले मैं को जागृत स्वप्न सुषुप्ति के पिंजरे से अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय के पिंजरे से आप निकाले। आकाश कोश तनवो तनवो महांतः तस्मिन् पदे विगत चित्त नवा वसंती। महात्मा का शरीर क्या है? महात्मा का शरीर है आकाश, उसमें महाराष्ट्र और भारत राष्ट्र नहीं है, बोला उसमें एशिया यूरोप अमेरिका अफ्रीका नहीं है, उसमें ये धरती नहीं है। आप पिंड छोड़िए तब मालूम पड़े, ये जो पिंड है ना शरीर का, ये पिंडा है, वो पिंड पिंड जैसे पिंड वो होता है ना जो पितर को देते हैं, इसका नाम पिंड होता है। तो ये कुत्ते को खिलाने के लिए पिंड है, वो चिड़ियों को खिलाने के लिए ये पिंड है, पारस्यों का पिंड चिड़िया खाती हैं, और सन्यासियों का पिंड मछलियां खाती हैं, किसी का पिंड आग खाती है, किसी का पिंड बिजली खाती है। ये पिंड है पिंड, इस पिंड में से मैं निकालो तो आपको ब्रह्मांड देश और माया देश ये सब अंधकार के तिरमिरे हो जाएंगे, हो तिरमिरे। इसका रहस्य यही है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति एतम तम तम एतम। तो ये तमस कहाँ है? प्रसिद्धिया, प्रसिद्धिया माने अनुभव से। अनुभव कैसा? जब तक आप अपने को नहीं जानते हैं तब तक ये तमस है, और जब आप अपने को अनुभव कर लेंगे तब ये तमस नहीं रहेगा। तो तमस है कि नहीं है? तो वेदांतियों ने कहा ज्ञानी की दृष्टि से तमस है और तत्वज्ञानी की दृष्टि से तमस नहीं है। तब इसको क्या बोले? है बोले कि ना बोले? बोले ज्ञान की दृष्टि से है नहीं बोल सकते, और अज्ञान की दृष्टि से नहीं बोल सकते, नहीं नहीं बोल सकते। तब इसका नाम होता है अनिर्वचनीय। खैरो, जब तक तुम अपने को ब्रह्म रूप में नहीं देख पाते तभी तक ही अज्ञान है। ये नहीं कि अज्ञान मिटेगा तब हम ब्रह्म हो जाएंगे, ऐसे ये बोली बिल्कुल गलत है। पहले ज्ञान होगा तब अज्ञान मिटेगा। ज्ञान मिटेगा कैसे? बिना प्रमा के ब्रह्म की निवृत्ति नहीं होती, बिना ज्ञान के अज्ञान नहीं मिटता। पहले ज्ञान वृत्ति का उदय होगा, अज्ञान ब्रह्म की निवृत्ति होगी। और आप तो स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, न आप में ज्ञान न अज्ञान। इसलिए आप चाहे विवेक कीजिए प्रपंच का, चाहे दृष्टा को उससे अलग देखिए, चाहे परमेश्वर का भाव करके संसार से अपने मन को उठाइए, ये जो अज्ञान है ये मिटाना पड़ेगा। इसको मिटाए बिना कोई सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा जीवन, सच्चा ज्ञान यही है, एक है।